हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। जो इतने टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे, क्लास 10th के एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे टाले जा रहे थे, तो फाइनली एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं। यस, नाउ योर टेंशन इज़ गॉन। एंड क्लास 10th के भी नहीं, क्लास 12th के भी नहीं, सीबीएसई ने तो ये डिसीजन दे दिया है, आईसीएसई विल डू द सेम। एंड क्लास 12th, अब एग्ज़ाम के मार्क्स किस बेसिस पे लगेंगे? एक्चुअली जो आपने दो एग्ज़ाम्स दे रखे हैं, लास्ट टू एग्ज़ाम्स के बेसिस पे आपके मार्क्स काउंट होंगे और उसी पे आपके रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्लास 10th को तो बिल्कुल देने की नीड नहीं है, और क्लास 12th के लिए इन्होंने ऑप्शनल रखा है कि आप जाएं और एग्ज़ाम्स दें। बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 ये सब किया गया, तो बहुत अच्छी न्यूज़ आपकी ऑथेंटिसिटी के लिए कि ये न्यूज़ सही है या नहीं है। मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का दिखा देती हूँ आर्टिकल, अभी रिसेंट आया है तो मैंने अभी के अभी वीडियो बना ली है, सो लेट्स सी। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आप देख सकते हैं, सीबीएसई, जेईई मेन, आईसीएसई एंड नीट 2020 लेटेस्ट अपडेट्स। सीबीएसई रिमेनिंग एग्ज़ाम्स कैंसल्ड, आईसीएसई डू द सेम। सो रिमेनिंग एग्जाम्स फॉर सी बी एस ई क्लास 10th एंड 12th, यहाँ पे पढ़ते हैं, सेंटर ऑन थर्सडे अनाउंस दैट रिमेनिंग एग्जाम्स ऑफ क्लास 10th एंड 12th विल नॉट बी कंडक्टेड। सो येस, इट्स नॉट कंडक्टिंग एनी मोर। द स्टूडेंट्स विल हैव ऑप्शन टू अपियर इन द एग्जामिनेशन इफ दे विश टू, बट इफ दे डोंट वॉन्ट टू अपियर देन देयर परफॉर्मेंस इन द लास्ट टू एग्जामिनेशन विल बी कंसिडर टू ग्रांट देम मार्क्स। सेंटर says that option of appearing in exam will only be available to class 12 students and not for class 10 students. तो finally ये बिल्कुल सही बात हो गई है कि हमको exam नहीं देने हैं, तो this is the news we have.